कुंबरा पनवेल हाईवे पर एक अलीशान गजाली ढाबा है, जहां आप फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। और आपको यहां लाजवाब औधी, टर्किश, अरेबियन क्यूजिन, साथ ही स्पेशल डिश में पाए थाल प्लेटर खप्चा, वाइड रेंज ऑफ बेवरेज, यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल, किड्स प्ले एरिया, किड्स राइड और एम्पल्स ऑफ पार्किंग। साथ ही आप वेडिंग और बर्थडे पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो आज ही आए गजाली फैमिली ढाबा। कलवा मुमरा विधानसभा एनसीपी के अध्यक्ष शमीम खान ने आज टोरेंट ऑफिस के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के दौरान शमीम खान ने टोरेंट ऑफिस के कार्यालय में ताला भी लगा दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि कई घंटे से बिजली कटी हुई थी और बिजली बिल की शिकायत को लेकर शमीम खान का गुस्सा फूट पड़ा और ये तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज टोरेंट पावर के ऑफिस में पहुँच गए और वहाँ पर जमकर हंगामा किया। यहाँ तक कि टोरेंट पावर के ऑफिस में घुसकर इन्होंने ताला भी लगा दिया है। इस हंगामे के दौरान कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। फोन किया मैडम, 11:45 आप कहीं गलत बोलूंगा तो रोक देना मेरे को। सही बात है, ए सुकून से बात कर। और मैंने क्या बोला आपसे, जय पांड्या जी शाम 4:30 से देवरी पाड़े इलाके के अंदर बहुत सारे लोग नीचे आ चुके हैं, एकदम दंगे का माहौल बन गया है। आप प्लीज इस पे कॉपरेट करें। आपका समीर पठान नाम का कोई बंदा जो भिवंडी से मुमरा आकर के काम करता है, कोई बाबा नाम का आदमी है, उसका कॉन्ट्रेक्टर, उसका बॉस है, जो कोई भी होगा, जब आपसे बात हुई उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब भी कॉन्फ्रेंस लाइन में आपसे बात की, उन्होंने भी कहा कि जय पांड्या बच्चों का एग्जाम चल रहा है और मैं आपसे कह रहा था कि सर एक माँ का डायलिसिस चल रहा है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। जय पांडे, उस बेटे को माँ कौन लौटाएगा, कौन लौटाएगा उसको? आपको मैं पूछता हूँ, आप जवाब दो। आप टोरेंट के एक पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप। हमने सजरानी साहब से बात किया, हमने जगदीश साहब से बात किया, हमने आपको फोन किया, आप भी सोए सुबह 5:45 पे। मैं ये बात सच है, उसके बाद 2 घंटा लाइट आती है और उसके बाद फिर लाइट 8:30 को चली जाती है। अरे जय पांड्या जी, 72 घंटा लाइट नहीं, शहर में मर जाएंगे लोग। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को और कोई बीमारी घर के अंदर है, क्या जवाब देंगे उनको हम लोग? 10वीं 12वीं अरे ना, तुम्हारी टोरेंट ने मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र वार की सुपारी ले ली किसी से, ऐसा लगता है मेरे को। और सुनो, राजनीति जाए साइड में, इस वक्त हम आवाम के लिए बैठे हैं हम लोग। आपकी ये जो दादागिरी है, आपने इसके पहले भी वफा पार्क के अंदर वहां पे भी 27 घंटा लाइट नहीं आई थी। बबलू सिंगा यहाँ मौजूद है, बॉम्बे कॉलोनी में 21 घंटा लाइट नहीं आई थी। ये इम्तियाज उन्होंने यहाँ मौजूद है, 17 घंटा वहां लाइट नहीं थी उनके इलाके के अंदर। जावेद मेडिकल मौजूद है किस्मत कॉलोनी में, जफर भाई के यहाँ तो डेली लगा रहता है, मैं बोल एक आदमी डेली आता है जफर नोवानी आपके पास, सब लोग परेशान है। आप बताओ मुझे, ये जुल्म क्यों हमारे शहर के साथ में? किसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया क्या हम लोगों को खत्म करने के लिए, या हमारे शहर को खत्म करने के लिए किसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आप लोगों ने? क्या जवाब देंगे आप? एक ही जवाब दे दो मुझे, मैं नीचे उतर जाऊंगा। उस माँ, उस बेटे को उसकी माँ चाहिए, तुम दे सकते हो क्या? नहीं दोगे तो तोड़ूंगा इसको। तुमको जो मांगता हो करो, जाओ मेरे ऊपर, तुम फ्री हो आज से। कोई शमीम खान नहीं, कोई जय पांड्या नहीं, हम नहीं जानते तुम्हारे को। हम इस वक्त बैठे हैं, मेरे को उस बेटे की मां चाहिए, लाओ तुम दो, चलो। शमीम खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमीम खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अवार्ड साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज भाई, ये पीड़ित